लाइफ में ब्रेक लेना चलता है, लेकिन वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। कनाडा में हुए आम चुनाव में भारतीय मूल के कनाडाई जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को इस चुनावी मुकाबले में बहुमत नहीं मिल सका है। हालांकि सबसे ज्यादा सीट जीतने के साथ वो सत्ता के दावेदार हैं। इस चुनाव में एनडीपी को 24 सीट जबकि लिबरल पार्टी को 157 सीट मिली है। ऐसे में ट्रूडो को 338 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार बनाने के लिए 170 के जादुई आंकड़ा पाने को वामपंथी झुकाव वाली विपक्षी पार्टियों से कम 13 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इस चुनाव में विपक्षी कंजर्वेटिव को 121, ब्लॉक क्यूबेकोइस को 32, ग्रीन पार्टी को 3 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। इन पार्टी ने पहले ही विपक्ष में बैठने के संकेत दिए हैं। वहीं ब्लॉक क्यूबेकोइस नेता येव्स फोंकोइस ब्लैंचेट ने भी सरकार में शामिल होने की इच्छा नहीं जताई है। ऐसे में सभी की निगाहें एनडीपी पर टिकी हैं। टोरंटो स्टार अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीपी संसद में किंग मेकर की भूमिका निभाने को तैयार है। जगमीत सिंह चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन 2015 के मुकाबले इस बार वो केवल 50% सीटें ही बचा पाए। सीटों की संख्या में गिरावट के बावजूद जगमीत सिंह ने मंगलवार को कहा कि हमारी पार्टी कनाडाई लोगों की प्राथमिकताओं पर काम करने के लिए अब कड़ी मेहनत करेगी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे जगमीत सिंह ने कहा है कि वो चाहते हैं कि एनडीपी नई संसद में राष्ट्रात्मक भूमिका निभाए। कनाडा में संघीय राजनीतिक दल के पहले अश्वेत नेता ने 47 साल के ट्रूडो की जीत पर उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्होंने उनसे बात की है। आपको बता दें कि जगमीत सिंह का राजनीतिक करियर 2011 से शुरू हुआ। वो अपना पहला चुनाव हार गए थे। 2015 में उन्हें एनडीपी का उपाध्यक्ष चुना गया। 2017 में उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ा। वो चार उम्मीदवारों के बीच 53.8% वोट पाकर एक तरफा जीते थे।